खबर थलीसैंण पौड़ी गढ़वाल से। जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने रविवार को अपने भ्रमण निरीक्षण कार्यक्रम जारी रखते हुए देर रात ग्राम सभा असगढ़ पहुंचे। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और ग्रामीण की मौजूदगी में लालटेन के सहारे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। हालांकि ग्रामीण जिलाधिकारी को अपने मध्य पाकर उत्साहित हुए और जिलाधिकारी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते हुए गाँव आगमन पर आभार व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने गाँव में हुए बेहतर कार्य पर ग्रामीणों की तारीफ करते हुए कहा कि अन्य गाँव के ग्रामीणों को भी इस तरह विकास कार्यों में अपनी सहभागिता बनाए रखनी चाहिए। जिलाधिकारी डॉक्टर जोगदंडे अपने गांव भ्रमण निरीक्षण कार्यक्रम के तहत विकास खंड एकेश्वर के मलेथा गांव के निरीक्षण के बाद जनपद के विकास खंड कलजी खाल के बूंगा और असगढ़ गांव पहुंचकर जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ देर रात को लगभग 2 घंटे से ऊपर जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्यों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने लालटेन के माध्यम से गांव में बने वर्मी कंपोस्ट, सामुदायिक शौचालय और रास्तों का जायजा लिया। इस दौरान पेयजल अधिकारी को गांव के परिवारों को जानकारी सही न होने पर जिलाधिकारी से नाराजगी जाहिर की। खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि गांव में बैठक की तिथि निर्धारित कर बैठक में मौजूद ग्रामीणों के हस्ताक्षर लेना सुनिश्चित करें। बच्चे हैं, उनको मनरेगा में दस्तावेज देना, जो मैं कह सकता हूं कि 10 तन काम यहां पे जाए हमने अच्छा के माध्यम से यहां पे किए सभी सारे काम और हमारे काम यहां सारे कंप्लीट हो गए। सीएससी भी हमने अभी बनाया सर, हर घर में जो है सबके अलग से भी टैब तीन दिन में एक सरकार वहाँ कुछ मिले जुले लिख दें जो क्या है। ग्राम प्रधान साहब, उनकी बेटे की थोड़ा तबियत खराब होती है, मुझे फोन आ गया था उनका कि मैं आ नहीं पाऊंगा, तो कल आके फोन कर देता हूँ। ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, इनका मत है ना, अब बनाएंगे अभी सेकंड फेज में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बताएगा खुदरी अपना अलग से, ये भी किधर है, ये भी ढूंढो यार, आपको पाइप देखा इतना बड़ा पाइप बना रखा है, उसके लिए भी होगा कर दिए गए हैं, जिसमें से हमने सर 86 कनेक्शन बूंगा में किए हैं, कपरोनी में 23 कनेक्शन किए हैं, नंदौली में 11 कनेक्शन किए हैं। और क्योंकि सर ये हमारी नाबार्ड की योजना थी, उसमें हमारे पास पैसा सेविंग में था स्टार्टिंग फेज में, तो उसमें से हमने इसमें खर्च किया सर 13.16 लाख खर्च हुआ सर। और सेकंड फेज में सर इसमें हम सेकंड फेज में सर जो इसमें पुरानी योजना है सर, एक तुमगढ़ गधेरे से है सर, एक बैलगदन स्रोत से है, पूरे भारतवर्ष की मॉनिटरिंग होनी है। मंगलवार को यहाँ पर भारतवर्ष की टीम का आवागमन होना है, तो सिलसिले में वो यहाँ पर एक बार अपना तो मैं ज्यादा करें मदद बता दूँ कि हमारे ग्राम सभा में 2 गांव है सर, 3 गांव है, एक गांव में अभी और जल निगम के पास और बड़े पहाड़ ये 4 अनुसूचित जाति बस और कुछ अनुसूचित के परिवार हमारे चौड़गांव में, असगर पूरा गाँव हमारा 3 से 5 तक में प्रधान था, उस समय जल निगम से ही हमारे यहाँ पानी की स्कीम बनी थी। उस समय मालवी से इधर कॉम्पैक्टर भी दिया है अभी, ये जगह ज्यादा खा रहे हैं ना, हाँ तो कॉम्पैक्ट करने से जगह कम खाएगा। और तो और तो क्या है, क्या प्रस्ताव भेज सकते हैं कॉम्पैक्टर तो लगा रहे हैं अभी जितना देखा सबका नाम नोट करो, नाम नहीं आप अरे अरे सब नीचे जो पैसे लेना हमारी खराब हो गई, ये पूरा लेते हैं इसी के ना, ये पहले सरकार की हमने यहाँ शिविर एक कल में डाल दिया, पुरानी स्कीम पुरानी संस्थान की बात थी, लेकिन संतरे से की तो पानी कहाँ से आता है, वहीं से ऊपर स्रोत से बने बने अलग करना पड़ेगा।
जल जीवन मिशन में हम लोगों ने जो है अभी आज कुछ गांव का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के समय में जहां जहां जल जीवन मिशन में विलेज एक्शन प्लान बना है उसका निरीक्षण किया, ग्राम सभा के बैठकों का क्या ब्यौरा है उसका जानकारी लिया, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी अगर गठित हुआ है या गठित करने में कोई समस्या है उसकी जानकारी लिया, आज मलेथा ग्राम पंचायत और बुंगा ग्राम पंचायत में आकर निरीक्षण किया है। जो फेज़ वन का कार्य है उसका अभी उन्होंने बताया कि कुछ मकानों तक फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन पहुंच गया है, कुछ मकानों तक पहुंचना बाकी है, उसके लिए अलग से वो DPR में कार्यवाही उनको करना है अभी ठेकेदार के माध्यम से। और फेज़ टू वाला जो कार्य है, चरण सेकंड वाला जो कार्य है, उसके लिए अभी ग्राम पंचायत को मैंने अवगत करा दिया है कि अगली जो बैठक होगी उसमें ग्राम सभा के सभी सदस्यगण बैठेंगे, उसमें समिति का गठन भी हो सकता है और उसके उपरांत जो उनकी आवश्यकताएँ हैं जैसे कि पेयजल का टैंक को संवर्धित करना, उसको बड़ा बनाना, पेयजल लाइन का जो मेन लाइन होती है उसको आवश्यकता के अनुरूप 1 इंच या 1.5 इंच तक बढ़ाना, वो सारी बातें शामिल रहेगा। साथ साथ में जो छूटे हुए परिवार होंगे उनको भी उसमें कनेक्शन से आच्छादित करेंगे, ये मैंने अभी अवगत करा दिया है। उसके अनुसार हम जल निगम जो हमारा कार्य संस्था है बुंगा ग्राम पंचायत के लिए और जल संस्थान हमारा मलेथा के लिए कार्य संस्था है वो अपना कार्यवाही करके अवगत कराएंगे। खबर भारतवर्ष के लिए थलीसाण पौड़ी गढ़वाल से उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।